सर्वप्रथम आह्वान करें परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए मां योगी मां शिष्य अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 67वें पृष्ठ की छठी पंक्ति पर 98वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराए, ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के दुरुपथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द अलोन हैज कॉल्ड आउट ऑफ द साइलेंस इज म्यूट फोर्स where she lay in the featureless and formless hush, guarding from time by her immobile sleep the ineffable puissance of his solitude. The absolute, the perfect, the alone has entered with his silence into space. He has fashioned these countless persons of oneself. He lives in all who lived in his vast alone. His space is himself and time is only he. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि सृजन आरंभ के अनंत काल पूर्व से सर्वोपरि अचलायमान निरपेक्ष पूर्ण और केवल परमात्मा स्वयं की मौन शक्ति की नीरवता में चिरकाल से अखंड अचल बने ध्यान मग्ना स्थित रहते, जो स्व एकत्व में एकदम अकेला, एक बिना किसी दूसरे के अनाकारित अस्तित्व वाला यह शाश्वत शाश्वत समय से विद्यमान रहकर सतत सदैव अचल निरंजन निराकार विद्यमानता में सदैव से अस्तित्व में है। स्वयंभू अस्तित्व की स्व आत्म शक्ति में उद्भूत एको हम बहुश्याम संकल्प जागृति से निज मौन चिर नीरवता के भंग हो जाने पर इन्हीं अचलायमान परमात्मा का एक भाग सचलायमान सक्रिय बनकर उद्भुत मूल से एकमात्र उदित संकल्प सिद्धि हेतु एकम से बहु रूपों में आकारों में बट बट कर अव्यक्त से व्यक्त रूपायित स्वरूपों में व्यक्त हो जाने के लिए
स्वयं अजलायमान परमात्मा ने ही तो संकल्प जागृति की हुंकार भरकर सृजन आवाहन किया। सृष्टि सृजन आरंभ के अनंत काल पूर्व ये अचलायमान निरपेक्ष पूर्ण और केवल एक संकल्प जागृति से अपने अंश सत्लायमान बन जाने से भी पूर्व अचल अडिग समाधि मग्ना अखंड अविभाजित मौन शक्ति की चिर नीरवता में ध्यान मग्न विश्राम अवस्था में निज अंत रहित परम एकांत में ये अनिर्वचनीय अवर्ण तपस्धारी परमात्मा प्रभु अचल अटल परम सुषुप्त अवस्था में काल से परम रक्षित काल रहित किंतु काल के सुरक्षात्मक चौकन्नी निगरानी से ये अमापी अक्षुण्ण बने चिर सुषुप्ति में सदैव अस्तित्ववान बने रहकर विद्यमान रहते। ऐसी अवस्था में स्वयं परमात्मा द्वितीय अवस्था में स्वचयनित अभिव्यक्तिकरण के उद्भुत संकल्प जागृति के अटल आदेश की शक्ति ने स्वयं ही के एक भाग ने सचलायमान स्वरूप धारण करके कम ने स्वनिज मौन शक्ति की चिर नीरवता भंग करके स्वयं के एकम के एकत्व को बहुत में विभाजित होकर अव्यक्त से व्यक्त रूपों में अभिव्यक्तिकरण आदेश प्रदान कर स्वयं की ही चेतना को आवाहित किया। अचलायमान परमात्मा के अनंत काल नीरवता को उद्भुत संकल्प ने भंग करके जब स्वयं अव्यक्त परमात्मा ने व्यक्त रूपायित होने तू इन अचल निरपेक्ष पूर्ण और केवल ने स्वयं के ही अंश ने सचलायमान बनकर सक्रिय स्वरूप धारण कर स्वशक्ति से अवतरित होकर खंड विखंडित अवस्था में अरूप से अव्यक्त से अभिव्यक्ति हेतु अचित में प्रवेश की अनिवार्यता को स्वयं ही स्वीकारा और देश काल सीमा बंधन को स्वीकारते हुए जड़ में अभिव्यक्त होकर स्वयं को अक्रिय अचल जड़ीभूत अवस्था में रूपायित किया। अपने अनंत स्वरूप अंश को शांत देश काल सीमा बंधन युक्त त्रिगुणमयी अपराश शक्ति के शासन में मूल संबंध स्मृति लुप्त हो जाने पर पुनः मूल से स्मृति प्राप्त करते करने के लिए पुनः एकम से एकत्व स्थापित कर लेने के प्रयास में
सतत विकासोन्मुख बनकर जड़ से विकसित होते होते मानवता तक का विकसित रूप धारण करने की लीला रची। इस समस्त विकासोन्मुख प्रक्रिया के संचालन दिशा निर्देशन एवं पूर्ण योजना को ये शांत दिव्यांश समग्र शांति धैर्य धारण करके स्वस्पंदित उदित प्रकंपनों से बायाकारी सत्ता को आधार प्रदान करते हुए स्व पर पड़े अचित आवरण प्रकृति को सतत नवीन नवीनतम उन्नत उन्नतर रूपायन में अभिव्यक्त हो जाने के अभियान को उदित संकल्प लक्ष्य सिद्धि हेतु आधार बनकर समूचे ब्रह्मांड अस्तित्व का संबल बने रहते हैं। ये भागवत शाश्वत अनंत के शांत अंश भी उन्हीं अचलायमान के समकक्ष निरपेक्ष पूर्ण और केवल नहीं अपनी अखंड निरवता के साथ हमारे व्यक्त ब्रह्मांड देश काल अपराप प्रकृति शासन में अस्तित्व के समस्त अणु परमाणु में स्वस्वीकृति से स्वयं को प्रवेश कराया और एको अम्बु श्याम संकल्प की संसिद्धि में सृजन आरंभ से लेकर अब तक तन्मय बने हुए स्वयं एक आत्मा परमात्मा असंख्य अनगिन शुभ व्यक्तित्व निर्माण करके निवसित रहते हैं और अंत काल से सृजन पूर्व ये अचलायमान निरपेक्ष पूर्ण और केवल अपनी विराट अमापी अनंतता में एकांतवासी एकाकी बना हुआ वही स्वयं शाश्वत अनंत परमात्मा एक से बहु बनकर सृजित सृष्टि के अस्तित्व के प्रत्येक अणु परमाणु में बसता है रहता है। सृजित विश्व ब्रह्मांड देश भी वही परमात्मा है और काल रूप में शासन है तो प्रकट होकर ब्रह्मांड संचालन प्रक्रिया संपन्न कराते हुए एक से बहु बनकर व्यष्टि भावापन्नता भिन्न भिन्नता और पुनः एकम तक की यात्रा की ओर बढ़ते चले जा रहे कारवां में काल रूप में भी वही परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता के विश्व रूप दर्शन प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण यह उद्बोधन करते हैं, मैं ही काल रूप में प्रगटा हूं। इस प्रकार संपूर्ण जगत ब्रह्मांड अस्तित्व सब कुछ चाहे वह देश हो काल हो अथवा जगत में रूपायित कोई भी अस्तित्व हो सब कुछ केवल और केवल वे स्वयं परमात्मा ही है। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आवाहन पर अवतरित हुई
परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब साधना के ध्रुवपथ पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुवपथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहे भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही।